हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय रघु, में आपका स्वागत है। एक्चुअली आज की वीडियो में मैं रघुनाथ, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको ये सीबीएसई का अगर है, आप ये सिर्फ सीबीएसई के लिए हैं। और सीबीएसई में आपको ये पता होगा कि चार सेक्शन में पूछा जाता है मैथ का क्वेश्चन, जिसमें सेक्शन ए में 1 मार्क्स का रहता है, जो टोटल 6 क्वेश्चन होता है। और फिर यहाँ पे आपको 6-7 से लेकर आपको 12 तक, यानी कि सेक्शन बी में होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से सेक्शन बी और सी और डी तक होता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन या इसमें कह रहा है क्या चीज़। इस वीडियो में आपको सेक्शन ए का इसमें कवर करूँगा, फिर यहाँ पे सेक्शन बी का भी इसी में कवर करूँगा, और सी और डी का अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो सेक्शन ए और बी में आप देखिए, आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स इक्वल टू 3 है, इज वन और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में के 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो k का वैल्यू पता करना है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये अगर पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस में 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे कि एक्स बराबर 3 होगा, ठीक है। ये जो 3 जो है, 3 एक रूट है, तो यहाँ पे 3 एक्स का वैल्यू होगा। तो एक्स वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे 3 पुट करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए P3 निकालेंगे, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 होगा। तो इस तरह से सॉल्व करें तो माइनस में 6k = -3 आएगा, और यहाँ पे k = कितना आएगा, -3/3 आ जाएगा 6, ठीक है। क्योंकि निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 3/6 हो गया, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। तो इसीलिए k का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो k का वैल्यू पता हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में करें कि व्हाट इज दी एचसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एक प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। तो आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि दो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन कंपोजिट नंबर उसको नहीं बोल सकते, इसीलिए यहाँ पे 4 जो है कंपोजिट नंबर होगा, 3 नहीं हो सकता कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 से होगा, जिसमें 4 में 2 से और 1 से और 4 से लगता है। तो वन और खुद के अलावा जो किसी चीज़ से मतलब फैक्टर होता है, या कोई चीज़ फैक्टर होता है, तो उस क्या होता है प्राइम नंबर। यहाँ पे इसका 2 फैक्टर है, इसलिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्राइम कंपोजिट नंबर। तो इन दोनों का एचसीएफ जो होगा 2 का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब एचसीएफ 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन करें कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। तो एक फॉर्मूला ही होता है आपको, अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। डिटेल में अगर जानना है तो देखिए, इस तरीके से जाना है कि ऑरिजिन का सेंटर हो गया क्या चीज़, ऑरिजिन का 0,0 और पॉइंट हो गया x,y। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे जानते हैं आप लोग क्या कि मतलब x1 इसको मानेंगे और y1 इसको मानेंगे, ठीक है। x1 y1 का जो कोऑर्डिनेट है 0,0 है, और x2 y2 का जो कोऑर्डिनेट है xy है। तो आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो x2 में से x1 घटाते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। या तो आप इसको x1 इस साइड भी लिख सकते हैं, x2 इस साइड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, तो x2 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे x दिया हुआ है, और x1 का वैल्यू 0 दिया है। तो x-0 का होल स्क्वायर, फिर y-0 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे d = कितना आ जाएगा, तो इसमें x-0 करेंगे तो x2 y2 होगा रूट में। तो इस तरह से ये डिस्टेंस बिटवीन पी और एंड ऑरिजिन इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कैसे बना है। तो यहाँ पे फोर्थ में देखिए, करें कि AP ऑफ द इन NAP कॉमन डिफरेंस इज -4, ठीक है। डी का वैल्यू जो दिया है वो -4 दिया हुआ है, ठीक है, डी का वैल्यू -4 दिया है, और यहाँ पे A7 = कितना है, 4 दिया है। तो आप देखिए, इतना तो दिया हुआ है, यहाँ पे ए प्लस में 6 प्लस माइनस में 4 = D 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 7 टर्म का टर्म है, मतलब ये जो देखिए a+6d होता है ना, 7 टर्म, वैसा ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 7 टर्म = a+7 बन गया, तो यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। तो माइनस में d का वैल्यू हो गया -4, ठीक है, d का वैल्यू -4। इसको सॉल्व करें तो माइनस में 24 होगा, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव अच्छा हाँ माइनस में 24 आएगा, और ये -24 इस साइड आ जाएगा, तो 24 और प्लस में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 28, ठीक है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 67 माइनस में साइन स्क्वायर 23, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, साइन का बदल दीजिए, मतलब साइन 23 जो है उसको बदल दीजिए आप कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आएगा, इसलिए यहाँ पे 90 में से 67 घटाएंगे तो 23। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे,
और साइन 90 में से थीटा घटेगा तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन से आप बदल जाएगा कितना, तो कॉस 67 में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बदला हुआ है, कॉस 67, कॉस स्क्वायर 67 माइनस में कॉस स्क्वायर 67 इक्वल टू 0, दैट इज कॉस स्क्वायर 67 माइनस में साइन स्क्वायर 63 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पे 6 नंबर है इसमें कि ए बी सी एंड ट्राइंगल बी पी क्यू आर इफ ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू का रेशियो ये है 1/3, ठीक है। एक ट्राइंगल मान लीजिए, एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो उसका रेशियो क्या दिया है, साइड का रेशियो, यानी कि ए बी सी एक ए बी होगा साइड, यानी ट्राइंगल ए बी सी का, और पी क्यू होगा साइड किसका, तो ट्राइंगल पी क्यू आर का, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल का रेशियो, साइड का रेशियो दिया है 1/3, तो इसको एरिया का रेशियो क्या निकाला है, तो 1/3 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1/9 होगा। फिर यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब सेक्शन बी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिवन डैट टू रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है, और 5+ में 3√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया है क्या चीज़, 5+ में 3√2 है और बी रेशनल नंबर है, ठीक है। इतना ही जो है मतलब रेशनल नंबर हमको मानना है, ठीक है। जब इसको इरेशनल पुट करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनल पुट कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या है कि इरेशनल माने तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और पी और क्यू क्या है, तो कोप है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम नंबर है इसका मतलब यह है, इसका पी एंड क्यू का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3√2 जो है, और ये 5 कॉन्स्टेंट संख्या है जो रेशनल नंबर है, जो इसको हम इस साइड लिख दिए, तो पी माइनस में 5 क्यू बाई 3 क्यू आ गया। तो यहाँ पे देखिए √2 जो है ये 3 यहाँ का नीचे आ गया, डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई से इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए √2 इक्वल टू कितना हो गया, पी माइनस में 5 क्यू बाई 3 क्यू। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, तो पी एंड क्यू जो है इंटीजर नंबर आ गया, पी एंड क्यू क्या है यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे इंटीजर हो गया, और ये चीज़ क्या है, इसीलिए ये पी माइनस में 5 क्यू बाई 3 क्यू इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अगर ये इंटीजर सब है ये सब, तो ये क्या बन जाएगा, ये सारा नंबर, ये सारे हो जाएगा रेशनल नंबर। और बट ये हम जानते हैं कि, या हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर ये क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो इससे क्या होता है कि कंट्राडिक्ट होता है, ठीक है, कंट्राडिक्ट होता है मतलब अवरोध उत्पन्न होता है, तो इससे क्या है कि हमारा मान्यता क्या होता है, गलत हो जाता है। यही कह रहा है कि कंट्राडिक्ट होता है, मतलब ये हम अपोज मानते हैं कुछ और है, आ जाता कुछ और है। उसके बाद कह रहा है कि बिकॉज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखा है इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कंट्राडिक्ट एंड अराइजन बिकॉज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो वी कंक्लूड डैट 5+ में 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे दिया फिगर ABCD में देखिए, और इसमें करा है कि x+y इतना है, तो ये इस साइड है 30 और ये 14 है, तो ये हो जाएगा x-y। तो इसमें आप देखिए, तो इसको देख के लग रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है तो मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, इक्वल होगा, ठीक है। तो AB इक्वल टू CD होगा, यहाँ पे देख सकते हैं AB इक्वल टू CD, और यहाँ लिखा भी हुआ है, और यहाँ पे देखिए BC इक्वल टू AC भी हो जाएगा, ठीक है। और ये इतना हो गया, तो उसके बाद आप ये भी जानते होंगे कि इसका जो डायगोनल होगा वो भी सेम सेम हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे AB इक्वल टू CD हो गया, BC इक्वल टू AD हो गया, BC इक्वल टू AD हो गया, और यहाँ पे AB इक्वल टू CD भी हो जाएगा, ये जबकि ऊपर में लिखा हुआ है CD। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या किया है कि x+y, AB का लंबाई कितना है, CD का लंबाई x+y है, और AB का लंबाई 30 है, तो दोनों को इक्वल हो जाएगा, तो x+y बराबर 30 हो जाएगा। और यहाँ पे C बराबर D है, CD बराबर में, सॉरी BC बराबर में CD है, तो ये दोनों बराबर ही बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे x-y बराबर क्या होगा, तो ये 14 के बराबर होगा। दोनों इक्वेशन का सॉल्व कर लेंगे 1 और 2 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि y कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो y और y कट जाएगा, ये बचेगा xx, तो 2x बराबर में हो जाएगा 30+14, तो ये 44 आएगा, और x इक्वल टू 22 आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे सोल्यूशन इन इक्वेशन 1, तो 20+22+ में y इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है, और x इक्वल टू 22 आ गया, y इक्वल टू 8 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर में,
नाइन नंबर में क्या करा है कि फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट एट मल्टीपल ऑफ थ्री, फर्स्ट एट मल्टीपल ऑफ थ्री करा है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, थ्री होगा, फिर नेक्स्ट थ्री का मल्टीपल क्या होगा तो सिक्स होगा, नाइन होगा, फिर ट्वेल्व होगा, इस तरह से लास्ट में क्या होगा, आठवां बोला है, आठ हुआ टोटल, तो यहाँ पे एट थ्री जाए कितना आएगा, ट्वेंटी फोर आएगा, तो ट्वेंटी फोर लिखेंगे। और यहाँ पे फाइव है ये, तो क्या हो गया, तो ए का वैल्यू यानी कि कॉमन फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए लिखते हैं, ए का वैल्यू कितना हो गया थ्री, और ये सबको हम ऐड करेंगे तो डायरेक्ट मेथड से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो थ्री सिक्स नाइन और ट्वेल्व इन सबको ऐड करके आ सकता है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला से बनाएंगे, तो ए का वैल्यू कितना आ गया थ्री लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री, और डी का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं डी इक्वल टू यहाँ पे थ्री है, और एन का वैल्यू नाइन होगा, सॉरी एट होगा, क्योंकि एट टर्म का बोला है, मतलब एट मल्टीपल ऑफ थ्री हो गया, एट टर्म होगा जो मल्टीपल ऑफ थ्री का है, तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू यानी एस एस एन इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है एन बाई टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस एट इक्वल टू एट बाई टू और टू इंटू थ्री और प्लस में एट माइनस वन इंटू थ्री, इतना हो गया, तो यहाँ पे एट बाई फोर टू करेंगे तो फोर आएगा, और यहाँ पे टू थ्री जा सिक्स आएगा सिक्स, और यहाँ पे एट में से वन गया तो सेवन, और सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई तो ट्वेंटी वन, तो ट्वेंटी वन और प्लस में सिक्स तो ट्वेंटी सेवन होगा, और प्लस फोर से मल्टीप्लाई करें तो वन हंड्रेड एट आ जाएगा, तो दी सम ऑफ फर्स्ट एट मल्टीपल ऑफ थ्री इज वन हंड्रेड एट आएगा, ठीक। फिर अगला सवाल है नेक्स्ट थर्टी नंबर, ए पी बट्टा बी पी इक्वल टू लेमडा बट्टा वन आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें हम इसको रेशियो मानते हैं या एम रेशियो एन में भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए लेमडा रेशियो वन माने हैं, तो आप इसका लेमडा का वैल्यू क्या होगा वो आप पहले निकालेंगे, इसका पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच पी का कोऑर्डिनेट दिया है फोर कमा फोर एम, और डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, मतलब ए और बी का जो पॉइंट है इतना दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तो यहाँ मान लीजिए कि ए पॉइंट यहाँ है बी पॉइंट यहाँ है, तो ए का कोऑर्डिनेट टू कमा थ्री है और बी का कोऑर्डिनेट जो है सिक्स कमा माइनस थ्री है, तो यहाँ पे एक्स वन वाई वन इसको मान लेंगे, एक्स टू वाई टू मानेंगे, और इसको हम क्या करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे पी का, जो हम यहाँ पे मान लीजिए कि लेमडा रेशियो वन में इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे पी पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लेमडा इंटू सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा इंटू सिक्स, और यहाँ पे वन में से वन इंटू टू आएगा, तो वन इंटू टू, तो ये होगा किसका वैल्यू, तो ये पहला कोऑर्डिनेट इसका निकलेगा जो कि यहाँ पे फोर के इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल टू फोर लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे लेमडा पी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लेमडा पी एक्स है, और फिर इससे निकालेंगे तो लेमडा वैल्यू इतना आ गया वन, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि लेमडा वाई निकाल पी वाई इक्वल टू, यानी कि पी का कोऑर्डिनेट जो है वाई में, तो वाई के जगह पे क्या है ये, इसके जगह पे वाई हो गया है एम, तो एम लिखेंगे यहाँ पे, और लेमडा का वैल्यू तो निकाल चुका है, तो लेमडा इंटू यानी वन इंटू माइनस थ्री और थ्री इंटू थ्री आएगा, और यहाँ पे वन प्लस में वन हो जाएगा, और ये यहाँ पे पता चल गया कि आपको यहाँ पे लेमडा का वन वन आया है, इसका मतलब वन बाय वन रेशियो में आ गया, यानी कि ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट आ गया, तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको निकालना है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे जीरो आ जाएगा, लगाना है यहाँ पे, लगा के भी निकाल सकते हैं या फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एम का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि एलेवन नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं आप, एलेवन में करें कि टू डिफरेंट डाइस, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप का डाइस है और टॉस टुगेदर फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफ गेटिंग ए डबल डबलेट, ठीक है, फर्स्ट गेटिंग ए डबलेट, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे डबल हो, ठीक है, एक डाइस है तो डाइस पे मतलब दोनों पे सेम होना चाहिए, ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए डबलेट, डबलेट मतलब डबल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले एन एस कितना आएगा, एन एस मतलब वो हो गया जो सम ऑफ इवेंट नंबर या नंबर ऑफ सम सपोजिशन होगा, ठीक है, सपोजिशन कितना हो सकता है ये होगा, तो यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट व्हेन टू डिफरेंट डाइस आर इंसर्ट इंसर्ट डेम दी टोटल इवेंट नंबर, ठीक है, यानी एन एस इक्वल टू सिक्स इंटू सिक्स आएगा, क्योंकि दो गोप्ता डाइस है तो सिक्स तक होता है स्क्वेयर नंबर, इसलिए यहाँ वन से लेकर सिक्स तक में और वन से लेकर सिक्स तक, तो यहाँ थर्टी सिक्स आएगा, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगा, पॉसिबिलिटी इवेंट टू गेटिंग द डबलेट इक्वल टू, यहाँ पे दोनों पे सेम होना चाहिए, तो वन वन होगा, टू टू होगा, थ्री थ्री होगा, फोर फोर होगा, ठीक है, और यहाँ पे फाइव फाइव और सिक्स सिक्स यहाँ तक दिखाया है, फाइव फाइव और सिक्स सिक्स यहाँ तक है, तो इस तरह से यहाँ पे कितना हो गया, छः ठो हमको दिखा रहा है, ठीक है, तो एन ई फर्स्ट में कह रहा है कि डबल गेटिंग ए डबलेट, तो
दोनों पे सेम होने के लिए क्या होगा कि पी ई एन ई मान लिया उसके घटना, तो यहाँ पे एन ई इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन ई बटे एन एच निकालेंगे तो 6/36 यानी कि 1/6 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट 1/6, ठीक है, तो इसलिए 1/6 आ गया। फिर सेकेंड में करा कि दी गेटिंग द सम ऑफ 10, ठीक है, सम 10 होना चाहिए उसका, जो नंबर आएगा उस सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो दी नंबर ऑन द टू डैश, नंबर ऑफ टू डैश पे मिलाएंगे ऐसा कि दोनों पे नंबर जो होगा नंबर का सम 10 होना चाहिए। तो देखिए या तो 4/6 होगा या 5/5 होगा या तो 6/4 होगा। तो यानी एन ई इक्वल टू कितना आ रहा है इसमें, 3 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, तो एन ई बटा एन एस निकालेंगे तो 3/36 यानी कि 1/1 कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। फिर अगला 12 में क्वेश्चन है जो कि आपका सेक्शन बी का है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। फिर आपको ये दिया है क्या चीज़ कि इंटीजर इज चूजन, ठीक है, चूजन डी रैंडमली 1 एंड 100, 1 एंड 100 के बीच में करा कि चूज करना है, ठीक है। तो 1 एंड 100 के बीच में चूज करना है। अब यहाँ पे करा क्या चीज़, सॉरी, इसके बाद है कि आपको फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफ दैट इज 1/8, 1 से लेकर 8 तक में आपको डिविजन करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 5 सैंपल ऑफ 5, यहाँ पे 12 नंबर है ना, हाँ, तो 12 नंबर का फर्स्ट में देखिए 12 नंबर में कि 2, 4 और यहाँ पे कितना आएगा नंबर है, इवन नंबर, ये इवन नंबर हो गया आपको, 1, 2 से स्टार्ट होगा, 99 तक होगा, ठीक है, 2 से, सॉरी, 1 और 100 के बीच में बोला है, इसलिए यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा नंबर और 99 तक जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 99 तक में आपको एन एस का वैल्यू कितना आएगा, तो 98 होगा एन एस, टोटल संभव सम कितना है, सब पोजिशन 98 होगा, एन एस का वैल्यू 98। अब यहाँ पे कर रहा है कि डिविजन बाई 8, 8 होने के लिए कौन कौन सा नंबर होगा, तो 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, इस तरह से इतना तक नंबर होगा। तो ये नंबर क्या होगा कि कितना नंबर होगा, तो यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस था, सॉरी 8 का, तो यहाँ पे 96 है और यहाँ पे 2 है, तो उसको 96 में से 8 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, अब बाई 8 कर दीजिए, आप +1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एन ई का वैल्यू इतना 12। अब यहाँ पे एन ई बट्टा एन एस करेंगे तो यहाँ पे 12/98 यानी कि 98 यानी कि 1/6/49 आएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको क्या चीज़ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन दी नंबर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 6/49। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द चूजन ए नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो इस तरह से यह कितना आएगा, तो ये 1 माइनस में जो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 8 का डिविजल होगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 6/29, और जिसका नहीं होगा वो हो जाएगा 1 माइनस में 6/29, 49 होगा, ठीक है, यहाँ पे 49 है, तो इतना हो गया 1 माइनस 49 बटे, तो यहाँ पे 43/49 आएगा, ठीक। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजल बाई 8 इज 43/49, ठीक है, जो 1 से लेकर 100 के बीच में है। तो दोस्तों ये वीडियो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और आपको सेक्शन सी का अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों अगर आप कुछ बनाना है चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस सभी को मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे रहा हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर यूट्यूब पर नया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप नया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों को भी मदद करें, और साथ में एग्जाम की तैयारी अपने हिल मिलकर करें और बढ़िया से करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।